हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो लास्ट वीडियो तक हम देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में इंसेंट एंड एवेट के बारे में, ओके। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में फेच एपीआई के बारे में, ओके। तो बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रैपिडो है, ड्रीम इलेवन है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ऑब्वियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती, तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पज के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है, जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है। और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं फेच एपीआई के बारे में, ओके। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैं एक अपना प्रोजेक्ट सेटअप तैयार कर रहा हूं, ठीक है, मतलब एक अपना फोल्डर, और उसको वीएस कोड में ओपन करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो मेरा न्यूटन स्कूल जावास्क्रिप्ट का एक मैंने फोल्डर बना रखा था ना, उसको सबसे पहले ओपन करूँगा, ठीक है। न्यूटन स्कूल जावास्क्रिप्ट, इसमें एक नया फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले, फेच एपीआई करके, ठीक है, फेच एपीआई, ओके। और इसको कर देंगे ओपन विद वीएस कोड, ठीक है, ओपन विद वीएस कोड, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाऊंगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ओके। और इसमें सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट ऐड कर लूंगा, ओके। और यहाँ पे एक अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बनाएंगे, जहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड देखने वाले हैं, ठीक है। और जो मेरी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, इसको जल्दी से यहाँ पे इंक्लूड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल स्क्रिप्ट, और यहाँ पे उसका पाथ ऐड करना होगा सिंपल, सोर्स डॉट एप डॉट जेएस, ओके। तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं हमारा जावास्क्रिप्ट में फेच एपीआई के बारे में, ठीक है। तो फेच एपीआई क्या है कि बेसिकली फेच एपीआई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम किसी भी वेब पेज पे, वेब सर्वर पे, ओके। इसको मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट बता रखे हैं, उसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो दी फेच एपीआई इज द मॉडर्न इंटरफेस दी अलाउ यू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू सर्वर फ्रॉम वेब ब्राउजर, ठीक है। अब मैं एक वेब ब्राउजर से किसी भी सर्वर पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट मार सकते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न तरीका है फेच एपीआई, ठीक है। तो अब यह क्या होगा, जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना किसी भी वेब सर्वर पे, तो जो भी रिटर्न डेटा करेगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है या अपने जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, वो हम आगे देखने वाले हैं किस भी क्या क्या फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अपन जो इसका फेच एपीआई है, इसका जो मेथड है फेच ओनली फेच, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अपने वीवीएस कोड में बताऊँ तो यहाँ पे सिंपल इसके लिए क्या होगा, सिंपल चीज़ होगी फेच, ओके। इस ये है हमारा, इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, किसी भी जो वेब सर्वर है उस पर हम रिक्वेस्ट करेंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारेंगे, और वहाँ से कोई भी जो रिटर्न रिटर्न करेगा उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, सबसे पहले इसका सिंटैक्स भी हम और अच्छे तरीके से वहाँ पर स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है, इसमें फिर जो फेच में हमारी दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट होगा हमारा यूआरएल, जिस भी हम वेब सर्वर पे कर रहे हैं, या अपने अगर लोकल सर्वर में भी कोई फाइल से कुछ चीज़ें ले रहे हैं उसका यूआरएल, ठीक है, लोकल पाथ, ठीक है, यूआरएल टू इज टू बी मेड, ठीक है, जहाँ से हम रिक्वेस्ट बना रहे हैं उसका पाथ होगा, ठीक है। और जो ये ऑप्शन है, ये वाला हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है, हमारे जो हम ज़्यादा यूज करेंगे, जो हमारा फर्स्ट यूआरएल होगा वो पैरामीटर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और जो इसका रिटर्न करेगा, इट रिटर्न ए प्रोमिस, ठीक है, तो ये एक प्रोमिस रिटर्न करेगा, उसको भी हम आगे देखने वाले हैं, ओके। तो जो भी वहाँ पे रिटर्न करेगा, वो हमारा जो भी डेटा करेगा, वो उसका फॉर्मेट या तो जेसन होगा या एक्सएमएल या टेक्स्ट फॉर्मेट, जो भी होगा वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया, सबसे पहले हमारा क्या होगा, यूआरएल, ओके, फेच यूआरएल, उसके अंदर जो पैरामीटर होगा वो यूआरएल, ठीक है। तो जो हमारा फेच मेथड होता है ना, वो एक प्रोमिस रिटर्न कर सकता है, प्रोमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, जो हमारी प्रोमिसेस होती है उनको हैंडल करने के लिए हम देन और कैच का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट या उससे लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिसेस के बारे में देखे थे, वहाँ पे देन और कैच के बारे में अच्छे से डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो आप वो वीडियो चेकआउट वापस से कर लीजिएगा, ठीक है, आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फेच मेथड में क्या होगा,
एक प्रोमिस रिटर्न करेगा ओके, और हम उसको देन या कैच की हेल्प से, देन और कैच की हेल्प से उसको हैंडल कर सकते हैं ठीक है। वेन द रिक्वेस्ट कंप्लीट रिसोर्सेज इट अवेलेबल एट दिस टाइम द प्रोमिस विल बी रिजोल्व इन टू द रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको कोड करके भी देख लेंगे ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेस यू आर एल ठीक है, इसके अंदर ये हम जो पैरामीटर लेगा ठीक है। तो ये प्रोमिस है ये, इसको हैंडल करने के लिए हम देन और कैच का यूज कर लेंगे ओके ओके। तो ये सभी चीज़ें हम कोड करके देखते हैं किस तरीके से हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं किसी भी सर्वर पर ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने सबसे पहले अपने वीएस कोड में ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक जो फेच मेथड है हमारा ठीक है, इसके अंदर हमारी दो चीज़ें होंगी, नहीं एक चीज़ होगी यूआरएल, जो सेकंड होती है वो ऑप्शन होती है, हम उसको यूज़ नहीं करने वाले ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे हमारा यूआरएल ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी यूआरएल सेट कर सकते हैं ठीक है, हम अभी इसको नहीं देखने वाले, सिंपल यहाँ पे हम यूआरएल ही टाइप करते हैं ओके। तो ये एक प्रोमिस रिटर्न करेगा ठीक है। तो आपको पता है प्रोमिस को हैंडल करने के लिए हम देन और कैच का यूज कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देन ओके और लास्ट में यहाँ पे हमारे कैच वाली चीज़ें हो जाएंगी ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हमारी है यहाँ पे फेच एपीआई मेथड, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है। तो एक मैं आपको प्रॉपर एक एग्जांपल से समझाता हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, इसके यहाँ पे हम कैच कोई एरर आएगी तब देखेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ से पहले रिमूव कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे हमारा देन, इसके अंदर हमारा क्या होगा, रेस्पॉन्स आएगा सर्वर से, जो भी हमारा रेस्पॉन्स आएगा ठीक है। तो हम एक यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, एक एरो फंक्शन ओके, और जो भी हमारे जो इसके अंदर जो भी रेस्पॉन्स आएगा हम उसको रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स ठीक है। एज ए जेसन में भी कर सकते हैं और हमारे अगर टेक्स्ट फाइल में वो भी हम कर सकते हैं ठीक है। आपको मैं अभी टेक्स्ट फॉर्मेट का भी बताने वाला हूँ चीज़ें ठीक है। और ये क्या होगा, ये भी हमारा एक प्रोमिसिस ही रिटर्न करेगा ये वाली चीज़, तो इसको भी हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे देन यूज करने वाले हैं ठीक है। तो आप सिंपल ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो देन यूज करेंगे ओके ओके। और यहाँ पे क्या होगा हमारा डाटा ठीक है ओके, और यहाँ पे सिंपल उसको कंसोल में प्रिंट कर लेंगे डाटा को ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल एक फेच मेथड ठीक है। और इसके अंदर हम कोई भी यूआरएल सेट कर रहे हैं ठीक है। तो मान लीजिए जो गिटहब का यूजर एपीआई होता है हम उसको यूज करने वाले हैं ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करूंगा गिटहब नहीं एपीआई गिटहब यूजर ओके। इसको हम इस लिंक को यहाँ से करने वाले हैं कॉपी ओके, और यहाँ पे मैं यूआरएल की जगह यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देखोगे इसको मैं सेव करता हूँ और इस फाइल को अपनी को ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं ठीक है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे यहाँ से इस नेटवर्क से हमारी ये चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं ठीक है ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे यहाँ से इस सर्वर से हमने डेटा फेच किया है ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रैंडम हमें इस एआई जनरेट करके देता है ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 29 यहाँ पे हमें जनरेट करके दिया है ठीक है। तो ये था सिंपल हमारा कि हम किस तरीके से एक सर्वर से डेटा फेच कर सकते हैं ठीक है। तो ये तो मैंने क्या किया, एक ऑनलाइन सर्वर से जाके किया है ठीक है ओके। तो अब आपको एक टेक्स्ट फॉर्मेट का एक एग्जांपल बताने वाला हूँ ठीक है। जो हमारी एक लोकल सर्वर पे एक हमारी जो टेक्स्ट फाइल होगी उससे हम डाटा रीड करने वाले हैं ठीक है। तो अब एक एग्जांपल से यहाँ पे मैंने बता रखा है ठीक है, इसको हम अपने वीएस कोड में करके देखते हैं ठीक है। तो आता हूँ अपने वीएस कोड में ओके। तो इस सब चीज़ों को तो यहाँ से हम करते हैं कमेंट आउट ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गगन डॉट टी एक्स टी बना रखी है और इसमें यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है न्यूटन स्कूल ओके। तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना एक वो बनाएंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सबसे पहले ठीक है ओके। तो फंक्शन क्रिएट सबसे पहले हम एक फेच ओके, इसके अंदर हम यहाँ पे पाथ ऐड करने वाले हैं इसका गगन डॉट टी एक्स टी ठीक है ओके। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए सॉरी ओके। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया ओके। तो ये हमारा फेच है जो क्या करेगा, प्रोमिसेस ये रिटर्न करेगा ना। तो ये इसको हम हैंडल किससे करेंगे, जो प्रोमिस रिटर्न करेगा तो इसको हम देन से हैंडल करने वाले हैं ठीक है। सबसे पहले इस देन के दो देन होने वाले हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले रेस्पॉन्स और उसका जो भी डाटा होगा ठीक है, वो चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हमारा देन ठीक है। आपको अच्छे से समझ आता है, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ देन ओके। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले एक यहाँ पे हम रेस्पॉन्स ले लेते हैं, रेस्पॉन्स ओके देन एरो फंक्शन ओके। और यहाँ पे हमारा रिटर्न करते हैं इसको, रिटर्न रेस्पॉन्स डेट टी एक्स टी फाइल, जो हमारी टी एक्स टी फाइल ही है ना ओके।
और जो हमारा ये भी एक प्रोमिसज है, ये भी तो हमें देन से हैं, इसको हैंडल करना पड़ेगा, यहाँ भी डाटा आएगा जो उसको देन। और इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम डाटा वो यहाँ पे सिंपल हम इसको प्रिंट कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग, और जो भी डेटा था डाटा। ओके तो अब मैं इसको करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर इस चीज़ को, ठीक है। अब चलता हूँ कंसोल पे। ओके तो अब यहाँ पे देख सकते हो न्यूटन स्कूल जीएस। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल अपनी एक मैंने यहाँ पे गगन डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट की, जिसमें मेरा टेक्स्ट था न्यूटन स्कूल, ठीक है, न्यूटन स्कूल जीएस। ओके तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक फेच मेथड की हेल्प से जो हमारे लोकल सर्वर पे जो डाटा था उसको हमने फेच कर लिया है, ठीक है। तो ये सिंपल था कि किस तरीके से हम एक लोकल सर्वर से भी कर सकते हैं, और या कुछ हमारे लाइव सर्वर वगैरह है वहाँ से भी हम उसको डाटा को लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए तो यहाँ पे मैंने ये वाली वेबसाइट थी ना हमारी, ये इस वाली को तो इस वाले को भी यहाँ पे प्रिंट कर, यहाँ पे करते हैं तो देखो हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे मिल गई है, जो भी इसके बारे में चीज़ें थी वो यहाँ पे शो कर रहा है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल फेच मेथड के बारे में, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फेच मेथड को यूज़ करते हैं किसी भी सर्वर से डेटा वगैरह गेट करने के लिए, ठीक है। ओके और यहाँ पे एक एग्जांपल और है जो अभी मैंने अभी आपको बताया, हाँ ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग है, जो इनसिंक्रोनस और एवेट का बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इन सब चीज़ों को वापस से कमेंट आउट करते हैं, और एक सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं फेच टेक्स्ट, ओके ठीक है, और हम इसको बनाने वाले हैं इनसिंक्रोनस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके 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 तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक प्रॉम को बनाएंगे रेस्पॉन्स, ठीक है, लेट रेस्पॉन्स, सिंपल रेस्पॉन्स रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे ए वेट, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है यहाँ पे सिंपल फेच और यहाँ पे उसका पाथ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या था, गगन डॉट टी एक्स टी ना, गगन डॉट टी एक्स टी, ठीक है, सॉरी टी एक्स टी, और यहाँ पे इसका भी जो भी वो आएगा डेटा आएगा उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेट डाटा, और यहाँ पे हमें सिंपल यहाँ पे इसको रेस्पॉन्स डॉट टी एक्स टी। ओके सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पे हम इनसिंक्रोनस एवेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसको कंसोल पे प्रिंट करते हैं, उसके लिए सिंपल लॉग और डाटा। ओके तो ये चीज़ें भी हमारी सेम वर्क करेंगी। ओके कंसोल डॉट लॉग, हाँ हमने यहाँ पे अभी इस मेथड को यहाँ पे कॉल नहीं किया है ना, तो यहाँ पे फेच टेक्स्ट, और अब इसको मेथड को कॉल कर लेते हैं टेक्स्ट। ओके ठीक है तो ये प्रोमिस रिटर्न करेगा, ठीक है, जिसमें से ये वाली चीज़ें हो जाएंगी। ओके लेकिन हमारा अभी डाटा आया नहीं है तो इसके लिए क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ओके अब देखते हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, न्यूटन स्कूल जीएस। ओके तो बस गाइस यही था इस वीडियो का मोटिव हमारे बताने का, कि आपको फेच मेथड के बारे में कंप्लीट आइडिया लग जाए, ठीक है। तो फेच मेथड को हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्वर से हमको डाटा फेच करने के लिए, ठीक है। API वगैरह हम जब पढ़ रहे होंगे तब इसको और अच्छे से देख लेंगे, अगर कोई API पे हमारा कोई प्रोजेक्ट आया तो इसको अच्छे से और अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हमने देखा है फेच API के थोड़ी सी यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में, ओके, और सेकंड हमने इसका सिंटैक्स देखा है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल URL होगा हमारा, और ये सेकंड होगा ऑप्शन लिस्ट को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। और ये हमारा कुछ भी रिटर्न क्या करेगा, या तो JSON फाइल रिटर्न करेगा या TXT फाइल या XML फाइल हो सकती है, ओके। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ओके। और इसमें हमने देखा है कि हम जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसको रेस्पॉन्स आ रहा है उसको रीड किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और लास्ट में हमने मैंने यहाँ पे इनसिंक्रोनस इवेंट के बारे में भी एक एग्जांपल बताया, ठीक है। एग्जाम्पल था हमारा ये, जिसमें हमने एक गगन डॉट टी एक्स टी फाइल बनाई जिसका डेटा हमने यहाँ से फेच किया, ठीक है। और बस तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, और हाँ वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड प्रोग्राम के बारे में। तो न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड प्रोग्राम एक लर्निंग पर्पज के लिए प्लेटफॉर्म बना गया है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है पहले, तो उसके बाद आपको सिंपल लॉन्च पैड पे क्लिक करना है, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ओके तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीन सेक्शन बने हुए, फर्स्ट है ट्रैक जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके फॉर एग्जांपल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जुलाई 2021। ओके और इसके बाद यहाँ पे हमारे और इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट से हो गए, बिगिनर गाइड डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इन जावा, ओके हिंदी में है यहाँ पे, और कंप्लीट पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर। ओके तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन है प्लेग्राउंड। तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उसको आपको सेटअप करना जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस लॉन्चपैड पे आइए और प्लेग्राउंड में आने के बाद अपना कोड रन कर सकते हैं। ओके आगे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम दो तीन वीडियो वीएस कोड में देखने वाले हैं, उसके बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो तीन प्लेग्राउंड बना रखे हैं। ओके और जो इसका लास्ट है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो अभी न्यूटन स्कूल करवा रहा है या पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। ओके अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके और जो अभी चल रहे हैं उनमें से है न्यूटन कोडिंग चैलेंज जून 2021। ओके और जो इसका जो सेकंड है वो है न्यूटन ग्रांट कॉन्टेस्ट। ओके तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, तो आप इसमें पहले रजिस्टर कीजिए उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। और हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज के वीडियो में हमने देखा है जावास्क्रिप्ट में फेच मेथड के बारे में, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एजेक्स के बारे में। ओके तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, मेरे इस चैनल को कोड किचन न्यूटन स्कूल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। ओके जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो मिस ना कर पाए। ओके और साथ में एक काम और कीजिएगा, जो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट को, इसको अपने ब्राउजर पे बुकमार्क कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप एक भी वीडियो को इधर उधर ना कर पाए। ओके गाइज तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।